इंडियन न्यूज 24 आवर। CIA के निदेशक माइक पोम्पियो के अनुसार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को अपने देश में आतंकवादियों के सुरक्षित पनाहगाहों को नेस्तनाबूद करने को कहा है। अमेरिका ने अफगान तालिबान एवं हक्कानी नेटवर्क आतंकवादी समूहों के साथ साथ उनके पनाहगाहों को नष्ट करने में विफल रहने को लेकर पाकिस्तान को दी जाने वाली $2 अरब के सुरक्षा सहयोग को फिलहाल रोकने का निर्णय किया है। अभी तक मिल रही है आतंकियों को मदद। न्यूज चैनल CBS के अनुसार पोम्पियो ने कहा कि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की ओर से देश के भीतर आतंकियों को पनाहगाह उपलब्ध कराया जाना जारी है, जो अमेरिका के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तानियों को यह सूचित करने में अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ कोशिश कर रहे हैं कि यह नहीं चलने वाला है। ऐसे में इस सशर्त सहायता के लिए हमने उन्हें एक मौका दिया है। अगर वह समस्या सुलझा लेते हैं तो हमें उनके साथ मिलकर काम करने में खुशी होगी। अमेरिका ने रोकी है वित्तीय मदद। पिछले दिनों अमेरिका ने पाकिस्तान पर अफगान तालिबान और हक्कानी नेटवर्क जैसे आतंकी समूहों को पनाह देने के साथ ही इनके खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने में दिलचस्पी नहीं दिखाने का आरोप लगाते हुए उसको दी जाने वाली $1.15 मिलियन यानी 7,000 करोड़ की मदद पर रोक लगा दी है। ज्यादा की सुरक्षा सहायता राशि पर रोक लगा दी है, जो कि भारतीय रुपयों में 7,000 करोड़ से भी ज्यादा है। अमेरिका की मांग है कि पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्क और अफगान तालिबान के खिलाफ कड़ा एक्शन ले। उसका मानना है कि दोनों ही संगठन अमेरिका को अस्थिर करने में लगे हुए हैं।